नमस्कार साथियों, मैं संदीप नौखवाल HBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई चौधरी कुलदीप बिश्नोई के गढ़ आदमपुर के अंदर मौजूद हूं, जहां चुनाव का पिक्स में है, यानी दो दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी हर कार्यकर्ता के घर पर जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। ऐसे में देखते हैं कि भाई आगा क्षेत्र का क्या माहौल है। कुछ बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं जिनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या इन्हें आदमपुर का माहौल लग रहा है। राम राम ताऊ जी। राम राम। तो चौधरी भजनलाल जी का गढ़ है ये। हाँ, तो क्या अपना विचार चल रहा है? एक बार चौधरी कुलदीप बिश्नोई टिकट भी कौन मिली, लेकिन चौधरी कुलदीप बिश्नोई वोट मांग रहे हैं घर घर जाके। हाँ, मांगा है भाई, पूरी मदद करे। तो आप मदद करो या कौन करो, जनता जनता के विचार है। जनता मेरे तो विचार मोदी को है। अच्छा। रणजीत ने वोट दूंगा। अच्छा, चौधरी तो कुलदीप बिश्नोई। अरे तो कुलदीप बिश्नोई तो मारो है ही यार। अच्छा। वो ही बजो फिर लाग रही है मोदी खातर फिर दो। वो कई लोग काम कौन करे, आदमपुर के हालात ही कौन सुधारे, इतने साल से विधायक रह लिया, एमपी रह लिया। कौन है? कुलदीप। कुलदीप है आपकी बुरा कराई 25 साल है ने गेला ले गयो। अरे कह रही इब कर रहे हो माँ मरे है जदि भी ये काम होने लाग रहे। 700 करोड़ रुपया आया है गेला से काम होने लाग रहा। सही सही रास्ता पकड़ लिया भाई। एंगा माँ पकड़ लियो नहीं, एंगा माँ आ गयो नहीं, जो सही मानना क्योंकि काम होने लाग गया। पहले के हो, पहले तो यो तो खिलाफ हो ही सोनाली फोगा टीवरे बोले मोगा रंग रिपिया आया एंड के करो। मैं तो सच्ची कहूँ भाई ठीक है, मारो आदमी है 25 साल यो खिलाफ रहे हो नहीं वोट कौन दियो। इब की बार यो मार रहे तो वोट दियो, 25 साल खिलाफ रहा तो कह रहे हो। एंड उरे घेर के तीन मोगा और करके चार मोडा न खड़े यार वो नाले फोड़ दियो। बोले ये लियो यो कुलदीप ले आया यो तो बड़ भाई गवर्नमेंट के कोई जरूरी थोड़ी। बोले अनबंद करो उरी। चलिए क्या मोल है, रणजीत चौटाला निकाल दिया सीट चार की। बिल्कुल निकाला गो। कितना वोटा हूँ केला का? वोटा हूँ कम से कम 20,000। 20,000? हाँ कम से कम। तो 20,000 का आंकड़ा तो बहुत कम हो जाए, इतना कम आंकड़ा ऊपर बताया था ना। बस मैं मेरा तो आंकड़ा इतना ही है। बात कर लियो। हाँ जी, तारे क्या विचार है? विचार तो अपने यही है, बीजेपी आओगी। अच्छा बीजेपी आओगी तो कुकर जो आप भजनलाल भजनलाल जी ने पसंद करोगे। हाँ हाँ। अच्छा जी, तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई का कोई फर्क पड़ा है कि लगातार भाई तो लगातार वोट मांगता है? 50,000 वोट पर्सनल है बीजेपी का जाने सारा। और बाकी बाकी तो जो कांग्रेस का 50,000 है अटल का है ही आवे। बाकी हिसार सीट ये बीजेपी की है। हाँ तो क्या बात बताओ था? मैं बतावा हूँ भाई, थे जाट तो हो तो थारे भी चिड़खो लग गए को। हाँ बताओ। हरियाणा में तो इब जाट जा मैंने वहाँ लगभग गेला हो रही है। बोले ओ कांग्रेस ने जीता हो लेकिन बा में भी आदमी फंटेड़ा है, कहेंगा 10 है, कहेंगा 20 है, कहेंगा 5 है, सारा एक जगह कौन तुल है, कोई कौन तुल है भाई फंट रहे मतलब। हाँ भाई रणजीत का भी होगा, चौटाले का भी होगा और कुलदीप का भी होगा, रणजीत का भी कुछ होगा, गंगोह भी कुछ होगा, सारा एक जगह तो पड़े को नहीं। लेकिन जाट जा मैंने जितनी भी बोलो जीता कांग्रेस ने दियो कुकरी। अच्छा, मतलब कलगण पूरा तकड़ो। हाँ तो तारा के कहना है? हाँ तारा बताओ जी। सही है के? सही है ताऊ का बात सही है के? ताऊ का बात मायत कह दी बकड़ा तो उसका है कते गलत को नहीं उसका। ताऊ ताऊ तो मोदी मोदी से दावे तो आपा के ला रहा मोदी ने मारे तो ई बे ये पीछे ही भी अपने नौकरी लग गया नहीं, तीन बालक लग गया, एक पोतो लग गयो, एक मेरा 45 साल को छोरो शमो बिजली बोर्ड में लगी है। तो मैं तो भाई फिर तो गुणगान गाने पड़ेंगे। बिल्कुल गाने भी देने पड़ेंगे। अरे गराई पर्ची आ गई बोलियो चलो। तो चलिए कुछ और दुकानदार मौजूद है, उनसे और बातचीत कर लिया तो देख सकते भाई दुकानदारों का क्या रिस्पॉन्स है। देखते हैं कि व्यापारी वर्ग आखिर किसके साथ है। ले हाँ ताऊ जी, हमारा क्या विचार है? बीजेपी ने दिया वोट भाई, वोट तो दे दियो। मोल का के विचार है आदमपुर में? आदमपुर में बढ़िया माहौल है एकदम। बढ़िया जिता दोगे आदमपुर में? बिल्कुल जीत के लिखोगे आदमपुर। हाँ कांग्रेस आ रहे तो क्या कौन जीतता है? ना ना जीत के जाओ, जीत के जाओ, बढ़िया वाला जीत। चलो ठीक है। हाँ जी अरे बताओ। अच्छा माहौल है? अच्छा माहौल है, अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है। अच्छा है लग गया कि विचार कर डगमगा जाएगा कि डगमगा ना रहे तो कौन ही अच्छा कहीं नाराज भी है भाई। कुलदीप ने टिकट कौन दी, वोट कौन देवा? तो ना ना ऐसी कोई बात कौन, ऐसी कोई बात कौन है। हाँ जी तारा क्या कहना है? बहुत बढ़िया भाई साहब,
दोनों बराबर की टक्कर है, अड़के जागी बात जागी तो ही 5-10 हज़ार। कुलदीप सुना जोर तो बहुत लगा लग रहा है, पुराने वर्कर ने फोन करा जो 20-20 साल पहला फोन कौन करे आजकल फोन करे। कुलदीप ने वोट दे अगर देखती फोन को नहीं आया, तय दिल सक है बीजेपी के, बाकी जेपी भी अच्छी मेहनत कर रखी है, सिस्टम ठीक है, दोनों पार्टियां इलेक्शन टक्कर गए, बाकी थोड़ा मोटा वोटा की है मुकाबला है। तो देख सकते हैं भाई, भाई साहब मुकाबला बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ नौजवान साथी जो गोलगप्पे वगैरह खा रहे हैं उनसे और चर्चा करेंगे। भाई गोलगप्पे भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, भाई नौजवान साथियों का क्या कहना है, बुजुर्गों साथियों की तो आपने सुन ली, जो यहाँ के लोकल बंदे हैं भाई कमल का फूल खिलाएंगे, और नौजवान साथी क्या फैसला लेंगे तो बातचीत करते हैं। हाँ भाई साहब वोट हो गया अपना, वोट वोट है कोनी, तो भाई कुछ यहाँ पे साथी खड़े, राम राम। तो राम राम। तो वोट बाट तो अपना तो है ही। हाँ ना अपना। क्या बार वोट गिर दिए? वोट ना गिरे है अपना तो। कौन गिरे? ना क्या बात है? अपना तो ड्यूटी मारे। नहीं सपोर्ट करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। हम भी ड्यूटी पे हो? ड्यूटी मार रखे हैं। सारे ड्यूटी पे है तो भाई ये नौजवान साथी है, वोट तो कौन हुआ अभी? रेडी बाड़ो दाम बताओ भाई, दाम बताओ। तारा के मोल है मोदी मादी का है कि राहुल गांधी का है? मोदी जी का। मोदी का है? हाँ जी। बढ़िया। हाँ तो सारे रेडी बाड़े साथ दे रहे हैं मोदी जी को। तो के विचार आओ मन में भी खड़ा मोदी जी आएगो? मोदी जी तो आओ के विचार भी आंदा हुआ, जो कर मोदी के मन में विचार हो चर्चा पर का, तारा मन में क्या है? तारा मन में क्या है? मोदी जी आवे और क्या आवे? मोदी जी आवे। देख सकते हैं भाई रेडी वाले कुछ काफी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ और जो है नौजवान साथी यहाँ पर इनसे बातचीत करना चाहूंगा। ये भाई मुस्कुरा रहे हैं, राम राम भाई। हाँ भाई तू बता दे के मोहल्ला कितना आदमपुर में? सारा दिन इतना सो डाल के बंदे टकरा के चर्चा भी होंगी होगी? कुछ चर्चा को नहीं होंगी। देख ये कई डी सीडी गटर लगा था ना, बोला को नहीं मने के डर लगा यार, बोला गटर तो बता फिर के मोल है? मोल ठीक है भाई, चला से चला। कुछ साथी और बैठे भाई टोपी वाले भाई, उनसे और पूछूंगा क्या कहेंगे। आ जाओ टोपी मास्टर, आ जाओ इधर, आ जाओ भाई इधर बताओ। उरने के कोई निन्ने डर लगा था गेडी आडी का? नहीं साहब कह दिया। हां भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हां बोलो भाई साहब। तो क्या हवा पानी चल रही है अपना आदमपुर की? जेपी की हवा पानी जेपी की चल रहा है। निन्ने से ताऊ को था ताऊ के तो के हुआ भाई? मतलब कुलदीप पूरा सग है जीत जी बीच बीच कड़े के विचार लगा है भाई? कुलदीप का कोई परिवार में ही कौन लड़न लाग रहे हो? ठीक है तो कुलदीप ने वोट कौन दी तूने बताए कहे थे कोई वोट दिलावा? तो दिलावा तो है, दिलाए कोई वोट कौन दिया करे आजकल भाई, अंदर आत्मा वोट दे। तो के विचार लगातार इस हफ्ता मारे तो भाई कांग्रेस को लगे माने तो। अच्छा तो के लगा रहे ना, कितनी सीट काट लेगी कांग्रेस? लगभग 6 के करीब आनी चाहिए कांग्रेस, 6 के करीब आनी था। और उरा खड़ी टक्कर मानो हो के कांग्रेस की तरफ मानो? कांग्रेस की है टक्कर में है कौन कोई है? टोटल लाइव वोट किमी कोने नो बीजेपी की वोट भी होगी किमी? तो सब तन बेरा ही यार, सुने ना है इधर बार नैना चौटाला है, दो एक जेपी है, तीन है एक अपना ये होएगा, ये तो तीनों एक ही परिवार के लोग समझे कौन की यह बात? अच्छा सारे समझे भाई, आजकल कोई अनपढ़ कौन रह रहा है, मूर्ख तो मूर्ख है नहीं वो भी समझे इस बात में। तो देख सकते हैं भाई साहब काफी समझदारी की बात कर रहे हैं, और कुछ और जो है मिस्त्री यहाँ पर मौजूद है इनसे बातचीत करूँगा। राम राम मिस्त्री साहब। तो कई बार किसका मोटर मोटर का नट ढीला करो बताओ क्या बात है? वोट कौन खड़े करोगे? इन्हें बतावा इन्हें भाई साहब ने पूछा। राम राम भाई साहब तो वोटा ही के हिसाब से डील हो रही है इकड़ा? वोटा बट्टा ही कौन बता भाई, बेदी डील किसी हिसाब से हो रही है? तो के मोल के लागर है? मोल तो जिसकी सरकार बनेगी उसका ही मोल है, आपा के बताओ यार एरिया में डील डालो एकरा एको नहीं होवे आपा कौन भाई? वोटा बट्टा के चक्कर में पड़े करा? चक्कर में कौन पड़ते ना भाई, मस्त मगन रहो आपकी दिन में। और तो देख सकते हैं भाई जो है काफी लोग है निष्पक्ष है भाई, कोई चक्कर में नहीं पड़ रहे, तो ऐसे में कुछ अंतिम बाइट और लेना चाहूँगा। कुछ बाइक पर कुछ साथी मौजूद है यहाँ पर और उनसे विचार विमर्श करूँगा भाई, बाइक वाले क्या कहेंगे। देख सकते हैं भैया यहाँ पर गोलगप्पे खा रहे हैं, और मोटरसाइकिल वालों को रोकना चाहूँगा। राम 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 राम। आदमपुर था भाई? लेट हो रहे हैं भाई एक मिनट है, लेट हो रहा है। तो मोल तो बता देते ना। तो देख सकते हैं भाई ये नौजवान साथी है, ये तो शायद भाई वोट तो शायद आपका कौन ही बन गया इस साल, बन गया इस साल है। तो पहला वोट किसने गिरा फिर देखते हैं, ये देखते हैं। घर का ही मानना है कि मनता गिड़ेगा, घर का ही मानना है कि मनता गिड़ेगा, मन से ही कह रहा हूं मनता गिड़ेगा। तो माहौल के लागे इतना एरिया में? माहौल तो कांग्रेस का है शायद। अच्छा तो के लागे इतना भाई, बाकी आपा पॉलिटिक्स से दूर हैं तो। वो देख सकते हैं भाई साहब युवा वोटर है, मन से वोट गिड़ेंगे। हां भाई साहब। हां जी क्या माहौल चल रहा है आपके एरिया में? कांग्रेस जीतेगी जी, थोड़ी सर ताऊ तो बीजेपी जिताओ था ना ना, कांग्रेस बुड्ढे बीजेपी जिताओ युवा कांग्रेस जिताओ के चक्कर है? कांग्रेस जीतेगी जी, हैं कांग्रेस जीतेगी। अच्छा जी
हिसार की सीट जयप्रकाश निकालेगा। हरियाणा की बता दे। हरियाणा की स्टेट में कांग्रेस आएगी, सेंटर में मोदी आएगा। अच्छा जी, मतलब सेंटर में थोड़ा बहुत मोदी मजबूत है, सेंटर में मोदी आएगा। अच्छा, ठीक है भाई साहब। भाई साहब अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं भाई। कुछ और नौजवान साथी पहुंचे हैं स्कूटी पर, तो भाई साहब स्कूटी स्कूटी सही चल रही है? चल रही है, सही चला है जी। तो बढ़िया है, तेल पानी तेल की है कि बिजली की है? तेल की है जी। तेल की है तो तेल तल घड़ा महंगा हो रहा है? है रहा है, महंगा तो रही है। तो फिर वोट किसने देगा? तो वोट जेपिन जेपिन देगा। अरे भाई तू किसने देगा भाई? मेरे बनोड़ेगा नहीं, बनोड़े को नहीं। तो सपोर्ट तो करता हुआ कांग्रेस? कांग्रेस सपोर्ट करा है तो देख सकते हैं भाई। जेपी क्यों देगा भाई? कुलदीप का गड्ढा है, कुलदीप का एरिया में खड़े हो गए तो जेपी बात करें। कुलदीप तो बदले बारी बारी बदलने लग रहा है, बारी बारी बदला है। तो देख सकते हैं भाई, बदलाव जो है इनको पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो है भाई साहब खड़े हैं, तरबूज बेच रहे हैं, तो उनसे बातचीत करूंगा क्या कहेंगे तरबूज वाले। हाँ भाई, तरबूज वाला भाई। हाँ जी, तेरा क्या विचार है? पूरा एरिया में तरबूज बेचा, क्या मोल लगा तेना? मोल भाई जी बीजेपी का है। बीजेपी का है? कितना का मोल है बीजेपी का बताओ? ना भाई, क्या बात है? मोदी का, मोदी का मोल है। बढ़िया, कुकर मोल है भी बता दे भाई। काम बढ़िया कराने रहे मोदी, सारे काम बढ़िया करे, मोदी का ही मोल होगा। ये के 70 साल रहे थे ना, 70 साल में कि कौन करा मोदी ने 10 साल में कर दिया। 370 धारा हटा दी मोदी ने, इन पर कौन नहीं हटा हुआ सारी उम्र है पाकिस्तान। उसमें यू के ना जम्मू कश्मीर में आदमी रेस के प्लाट लेके पहला किराया पर रहा करता। प्लाट तो ले कौन जाता आदमपुर में भाई, तो जम्मू कश्मीर की ना भाई, ले क्यों जाए लेनिया तो लेगा भाई। भाई इतने प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे सरकार में, सरकार में से काम आदमी हकीकत की बात है भाई। कड़े कौन बढ़ रहे भाई? कांग्रेस में थोड़े बढ़ रहे थे, वो टाइम टाइम की बात, टाइम के साथ चीज डबल तो होएगा। एक नंबर का मोल है भैया मोदी सरकार। तो देख सकते हैं भाई साहब मोदी का मोल बता रहे हैं। भाई साहब तारा के कहना है, तारा के विचार है भाई साहब मोदी का मोल बता रहे हैं? बहुत अच्छा यार, कौन बता मोदी का मोल? मोदी का मोल भाई साहब बतावे? हां खराब है, बताना रे वो खराब बतावे हो के बात है लगे मोदी पीछे पास दे दिए गए और कुकर राशन पानी मिलेगा रस्तियां और माना मिला 5 किलो यार, 5 किलो मिला। तो के बात है, कुकर खराब बताओ था मोदी? खराब ही है यार, की कंगाल करा के सारा ने आदमपुर की हालात देख के मन कराया। देख ले एक मिनट, देख ले पीछे सड़क का, देख ले कोई सड़क देख ले जगह भाई साहब। एमएलए खुद को मारो वोट देगा बना रखे हो फिर भी ताऊ को था भाई। कुलदीप कांग्रेस में जाते किमी को नहीं, बीजेपी में थोड़ा बहुत होने लग गया। हाँ होया, खंबा लग गया, लाइट हट गई हमारी साइड में, खंबा ला रहे वे भी हट लिया। आई किसी योजना आई उज्ज्वला योजना आई, विंग तहत पहला खंबा लग गया फिर वे हटा दिया। अच्छा, सारा पटपट हो गया था थोड़ा, और कभी पाइप लगावा फिर सड़क पाट दे फिर पाइप लगा, सारी फुटी पड़ी यार। विचार लगा हरियाणा में कांग्रेस का? मुश्किल है, कांग्रेस का तो लग गया। देख कांग्रेस का लग गया, वोट देना पड़ेगा, मजबूरी हो रही है। हाँ जी, तारा के विचार है? आप भाजपा से थी मोदी कत्ता बात पता है? कुलदीप का किला जुड़े है क्या शुरू से? ना कुलदीप को लेगा मोदी के भाजपा का, मोदी के किला, मोदी के फैन है बिल्कुल। अच्छा जी, के विचार लागे फिरता ना? मोदी बहुत फायदो करे आपने, फायदो कर दियो बिल्कुल। तो देख सकते हैं ये जो है युवा साथी है, इनकी सारी आदमपुर हल्के में आपने राय सुनी, इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करें। बने रहिएगा एचपीएन 24 न्यूज के साथ, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों। और अब एक ताऊ आए, इनके विचार ले लिया। हाँ ताऊ, तू भी सुना जाता था? ताऊ भी पत्रकार है पुराना, भजनलाल को टाइम, भजनलाल जी को टाइम, फिर तो ताना सारे हालात देखे होंगे। आज भी पत्रकार हूँ। तो एक ताऊ कह रहा था आदमपुर के हालात भाई, कुलदीप कांग्रेस में था तो किमी होया कौन, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ने लग गया बीजेपी में बाद में भाई। कुलदीप है फेल, फेल हो रही दुकान है ये वो कड़े जो जब बीजेपी के गया नहीं घर घर आया ना घाट गए हो तो क्या लगे बीजेपी का नक्का लग जाए भाई साहब। बड़े तो धमाकेदार जेपी की जीत होगी, जेपी जीतेगा 50,000 वोट आदमपुर धमाका। जब कुलदीप के कारण होने लग रहे गए, कुलदीप की कोई वजह कौन भाई? कुलदीप के कहे कोई कौन वोट देवे? जो आप तो खड़े हो वार तो भाई किड़ा सोच चार, जो आप खड़े को नहीं हो तो भाई हम अपने मर्जी से जाएंगे। तो तारा हिसाब तक क्या मोला हरियाणा में कांग्रेस का? हिसाब तक भाई साहब 8 सीट कांग्रेस की होगी हरियाणा में, और 2 सीट आवे बीजेपी जीतते ही। कौन सी सीट आवे 2 सीट? वो एक गुड़गांव की है भाई, और एक मिंदरगढ़ की है, खटराड़ी हो सके खटराड़ी। चलो ठीक है, तो भाई ताऊ काफी बुजुर्ग आदमी है, काफी राजनीतिक विश्लेषण रखते हैं, जिन्होंने विचार रखे इसको लेकर आप कमेंट करें। बने रहिएगा एचपीएन 24 न्यूज के साथ, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।